अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाली है। कनाडा की एक लड़की जिसका नाम मोनिका है, एक काफी मशहूर रेस्टोरेंट में जॉब करती थी। वो जॉब तो वेटर की करती थी, लेकिन साथ साथ तालीम भी जारी रखे हुए थी। उसका ख्वाब था कि वो एक दिन कामयाब शेफ बनेगी, लेकिन उसके लिए उसे किसी रेस्टोरेंट में नौकरी करके कस्टमर से डील करना भी सीखना था, ताकि कल को वो आने वाले वक्त में कोई रेस्टोरेंट खोल सके या एक शेफ की हैसियत से कहीं जॉब कर सके। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मोनिका का मैनेजर बहुत ही खड़ूस और सख्त जुबान आदमी था। मोनिका हमेशा उससे छुपती रहती थी, लेकिन अपना काम बहुत ईमानदारी से करती थी। एक दिन वो अपनी शिफ्ट खत्म करके घर को निकली तो रेस्टोरेंट के सामने दूसरी तरफ उसने एक बेघर मुफलिस आदमी को जमीन पर बैठे देखा। वो उसे देखती रही और फिर पास पहुंचकर उसने उस आदमी के चेहरे के तासुरात से उसकी हालत का अंदाजा लगाना शुरू कर दिया। उसने गौर किया तो एहसास हुआ जैसे वो शख्स अपने अंदर कोई बहुत तूफान लिए हुए बैठा है, लेकिन अपनी किस्मत से शायद मजबूर है। उसने पर्स से चंद डॉलर्स निकाले और उस आदमी को देखकर घर चली गई। अगले रोज वो जब रेस्टोरेंट पहुंची तो रास्ते में फिर उस फकीर को देखा। वो उसी जगह पर बैठा हुआ था। पास गुजरने वाले लोग उस पर हंस रहे थे, लेकिन वो सबसे बेखबर खामोशी से बैठा हुआ था। मोनिका बहुत हसास दिल की थी। वो उस शख्स का मजाक उड़ाने वालों से उलझ पड़ी और उस आदमी से बोली, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? क्या आपका घर नहीं है? एक साथ इतने सवालात सुनकर वो आदमी खामोश ही रहा, शायद सोच रहा होगा कि किस किस सवाल का जवाब दे और क्या जवाब दे। मोनिका ने उसे फिर से कुछ पैसे दिए और कहा कि इन पैसों से खाना खा लें। वो आज सारा दिन रेस्टोरेंट में बैठे लोगों को, जो आधे से ज्यादा खाना यूं ही बर्तनों में छोड़ देते थे, देख देख कर खफा हो रही थी कि इसी खाने के ना होने की वजह से एक आदमी भीख मांगने पर मजबूर है और ये लोग वो खाना फेंक देते हैं। वो शाम तक उसी शख्स के बारे में सोच रही थी। शिफ्ट खत्म करने के बाद वो सीधा उसके पास गई। उसने देखा कि फिर कुछ बच्चे उस बेघर शख्स को तंग कर रहे थे, उस पर हंस रहे थे। मोनिका को बहुत तरस आया। उसने उन बच्चों को वहां से भगाया और उस आदमी से कहा, आप यहां मत बैठा करें, वो सामने बेंच रखे हुए हैं, आप वहां बैठ जाया करें। मैं आपको आज से तीन वक्त खाना और कुछ पैसे दे दिया करूंगी, कम से कम लोग यूं आपकी तजलील तो ना करेंगे। मोनिका ने उसे और पैसे दिए और घर चली गई। अब वो इस आदमी को खाना पहुंचाने की फिक्र में लग गई। वो वादा तो कर बैठी थी, लेकिन उसके पास इतने ज्यादा पैसे भी नहीं होते थे कि वो तीन वक्त का खाना उसे खिला सकती। फिर उसे एक तरकीब सूझी। उसने रेस्टोरेंट के किचन से कुछ सब्जियां और सामान जो खाना बनाने में चाहिए था वो घर ले जाने का सोचा। हालांकि उसका जमीर इसके खिलाफ था कि वो अच्छा काम करने के लिए भी चोरी करे, लेकिन फिर भी वो बहुत सोच विचार के बाद वो सामान चोरी से कोल्ड रूम से घर ले गई। ये सामान दो दिन खाना बनाने के लिए काफी था। वो घर पहुंची और बहुत लगन से उसने खाना तैयार किया और फिर पैदल वहीं उस आदमी के पास गई और उसे खाना दिया। वो आदमी मोनिका के कहने पर अब बेंच पर बैठा था, लेकिन हमेशा उसकी नजरें रेस्टोरेंट के दरवाजे पर ही होती थी। वो मोनिका के आने और जाने तक उसी दरवाजे को तकता रहता। यूं उसे तीन वक्त खाना खिलाते हुए एक हफ्ता गुजर गया और एक दिन उसके मैनेजर को शक हो गया कि सामान चोरी होता है। मैनेजर ने सबसे पूछा, फिर कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो पता चला कि मोनिका ही सामान घर ले जाती है। वो सीधे मोनिका के घर पहुंचा। मोनिका खाना बनाने में मसरूफ थी। उसने दरवाजा खोला और डर गई, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि मैनेजर घर तक आया है, इसका मतलब कि उसकी चोरी पकड़ी गई। फिर भी मोनिका को अपनी नौकरी से ज्यादा ये फिक्र हो रही थी कि अब उस आदमी को खाना नहीं खिला सकेगी। मैनेजर ने किचन में जाकर देखा तो टेबल पर रेस्टोरेंट वाला ही सामान मिला। मैनेजर ने मोनिका को बहुत डांटा और पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही है, जिस पर मोनिका ने कहा कि मैं आपको कल आकर सब कुछ बता दूंगी, अभी आप यहां से चले जाएं। अगले रोज मोनिका रेस्टोरेंट जाते हुए रास्ते में सोच रही थी कि आखिर मैनेजर भी तो इंसान है, उसे अगर मैं जाकर उस शख्स के हालात बताऊंगी तो शायद उसका भी दिल पसीज जाए और वो इसकी चोरी माफ कर दे और उसे नौकरी से ना निकाले। उसने रेस्टोरेंट के पास पहुंचकर उस आदमी से कहा कि आप मेरे साथ चलें। वो साथ हो लिया, उसे रेस्टोरेंट लेकर गई और अभी दाखिल हुई ही थी कि मैनेजर ने देख लिया और उसी वक्त पास जाकर उस शख्स को चिल्ला कर कहा कि तुम अंदर कैसे आए, ऐसे गंदे कपड़ों के साथ मेरे रेस्टोरेंट में दाखिल होने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई। मोनिका ये सुनकर यकीन कर चुकी थी कि मैनेजर के दिल में किसी के लिए कोई रहम नहीं होगा और अब शायद मोनिका का भी आज रेस्टोरेंट में आखिरी दिन हो। मोनिका ने हालात को समझते हुए उस बेघर आदमी से कहा कि आई एम वेरी सॉरी, मेरी वजह से आपको ये सब सुनना पड़ा,
अभी मोनिका कुछ और कहना ही चाह रही थी कि उस बेघर आदमी ने जेब से एक मोबाइल फोन निकाला और किसी से बात करने लगा। मोनिका को बहुत अजीब लगा कि इतना महंगा फोन इस फकीर के पास। वो उसे धोखेबाज फकीर समझने लगी। उसके चेहरे के तासुरात बिगड़ चुके थे। इतने में उस शख्स ने ऊपर पहना हुआ गंदा कोट उतारा, फटा हुआ ट्राउजर उतारा और अंदर से एक हैंडसम अमीर शख्स निकल आया। वो फकीर नहीं था बल्कि वो इस रेस्टोरेंट का नया मालिक था, जिसने कुछ दिन पहले ही उस रेस्टोरेंट के आधे से ज्यादा शेयर्स खरीदे थे और वो चेक कर रहा था कि इस रेस्टोरेंट का अमला किस तरह काम करता है। उसने मोनिका से कहा, तुमने 6 दिन जो मुझे खाना खिलाया वो किसने बनाया था? मोनिका बोली, मैंने घर में बनाया था। वो शख्स बोला, आज से तुम इस रेस्टोरेंट की शेफ बनना चाहोगी? मोनिका को यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब हकीकत है या कोई ख्वाब देख रही है। तभी वो पुराना मैनेजर अपनी नौकरी बचाने के लिए कुछ बोलने ही लगा था कि उस शख्स ने फौरन कहा, अपना मुंह बंद रखो और यहाँ से गायब हो जाओ, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त नौकरी से निकालता हूँ। उस शख्स ने मोनिका को उस रेस्टोरेंट का मैनेजर और शेफ बना दिया और मुख्तलिफ शहरों में उसके जितने भी रेस्टोरेंट थे उन सब के स्टाफ को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी भी मोनिका को दे दी। लेकिन बदले में मोनिका को उस रेस्टोरेंट में 50% शेयर्स का पार्टनर बना लिया। वो शख्स मोनिका के अच्छे अखलाक से इतना मुतासर हुआ था कि उसकी ख्वाहिश थी कि उसका सारा स्टाफ मोनिका की तरह हो। दोस्तों, अब हम ये सोच रहे होंगे कि मोनिका की किस्मत अच्छी थी। मैं कहता हूँ मोनिका ने अपनी किस्मत को खुद संवारा और वो संवारा है उसने अपने अच्छे अखलाक से, क्योंकि पूरे शहर में जहाँ लोग उस फकीर पर हंस रहे थे, तंज कर रहे थे, वहाँ मोनिका ही थी जो उसकी मदद कर रही थी, उसे खाना खिला रही थी। लोगों का उसके साथ ये रवैया देखकर मोनिका ही थी जिसका दिल बुरा हो रहा था। तो दोस्तों, पूरे शहर में मोनिका ने सिर्फ उस गरीब बेघर की ही मदद क्यों की? हालांकि उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसे बदले में कोई फायदा होगा भी या नहीं, बल्कि उसने तो उसकी मदद करने के लिए अपनी नौकरी तक खो दी थी। इसी बात से अंदाजा होता है कि कभी भी किसी की मदद ये सोचकर नहीं करनी चाहिए कि बदले में हमें क्या मिलेगा। नेकी कर दरिया में डाल वाली सोच रखकर नेकी कर दे, फिर वो मालिक, वो दाता, वो रब्बे कायनात वहां वहां से बदले में रहमतों से नवाजता है कि इंसानी दिमाग वो सोच भी नहीं सकता। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कॉमेंट भी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।